पौधों को घर में रखने के कई लाभ हैं। ये घर की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर लाते हैं। वास्तु में भी इनका बहुत महत्व है। फूलों वाले पौधे, ऑर्नामेंटल पौधे और कुछ ऐसे सब्जियों वाले पौधे और वृक्ष, सभी का अलग अलग महत्व है। आइए आज इसी पे बिंदुवार हम आपसे बातें करते हैं कि घर में पौधों को क्यों रखना चाहिए। सर्वप्रथम अगर हम बात करें पौधों की सुंदरता की, तो जो पौधे हम घर में रखते हैं, कुछ फूल वाले होते हैं, उनकी छटा, फूलों का कलर बहुत खूबसूरत होता है, मन मोह लेता है। उसके अतिरिक्त जो ऑर्नामेंटल पौधे हैं, उनकी पत्तियों के शेड, उनके पत्तियों का रंग, उनकी एक अलग ही खूबसूरती होती है। नंबर दो, पौधे वास्तविक रूप से वायु शोधक होते हैं। हवा से प्रदूषण को, विषाक्त तत्वों को, पदार्थों को शोषित करते हैं और शुद्ध हवा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा वातावरण मिलता है। नंबर तीन, वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। सुख समृद्धि आती है घरों में, परिवार में सामंजस्य होता है, परिवार में स्नेह प्यार बढ़ता है, तो इसलिए भी हमें पौधों को घर में रखना चाहिए। नंबर चार, वास्तु के अनुसार यूनिवर्स में जो भी कुछ है, ये पांच एलिमेंट से बने हैं, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और अंतरिक्ष। ये सभी कुछ हमें पौधों से मिलता है। पौधे इन प्राकृतिक तत्वों के जीवंत होने का कारण है और संतुलन बनाए रखते हैं। पौधों को समानतः विकास, प्रचुरता और वृद्धि से जोड़ा जाता है। इन्हें घर में रखना सकारात्मक विकास और आर्थिक कल्याण हो सकता है। नंबर छह, पौधों को शारीरिक तनाव को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि अगर शरीर में तनाव ना हो तो मानसिक रूप से इंसान स्वस्थ रहता है। ये पौधे शांति और सुखद अनुभव देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक है, और हम इससे स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ते हैं और इससे शरीर में आराम की भावना उत्पन्न होती है। पौधों को घर में लगाने से एक सुंदर सा सेटअप बनता है। यूं लगता है पौधों को अगर हम तरीके से सजा के लगाएं, तो पौधे अपने आप में आपके घर में एक समृद्धि सा दिखाते हैं। वो जैसे काफी उज्जवल सा आपका घर लगने लगता है, अच्छी तरीके से अगर पौधों को हम डेकोरेट करके रखें तो। जो वास्तु के जानकार हैं, जहां घरों में बड़े बड़े तोड़फोड़ नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, या कुछ ऐसा होता है कि मकान में कि उस जगह अब तोड़फोड़ पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, तो पौधों को ही वहां पर इस तरीके से लगाया जाता है कि घर की सारी वास्तु सही हो जाती है। इतना महत्व है इन पौधों का हमारे जीवन में। कई पौधे हमारे जीवन में अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। कुछ हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, कुछ धन को आकर्षित करते हैं, कुछ पौधे स्वास्थ्य के लिए होते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो हवा को एकदम शुद्ध करते हैं, विषाक्त पदार्थ जो होते हैं हवा में उनको शोषित करते हैं और हमें वो हवा देते हैं, वो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बनाते हैं कि हम सुखद अनुभव करते हैं। जैसे मनी प्लांट है, गुड लक प्लांट माना जाता है, मनी ट्री है, लकी बैम्बू है, धन को आकर्षित करता है, स्नेक प्लांट सेंसोवेरिया, ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, शोषित कर लेता है नेगेटिव एनर्जी को। इसी तरह पीस लिली है, ऐसे कुछ पौधे हैं जिनको माना जाता है कि हवा को शुद्ध करते हैं घरों में रह के। जे प्लांट है, इनको माना जाता है कि अंधेरे में भी रहेंगे तो भी हवा को शुद्ध करेंगे। इन्हें अगर ज़्यादा देखभाल ना करें तो भी चलते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। ऐसे है ये प्यारे पौधे हमारे। पौधों को घर में क्यों रखना चाहिए, इस बारे में एक मैंने आपसे छोटी सी चर्चा की। उम्मीद है कि आपके मतलब की होगी, आपको पसंद आई होगी। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार पौधों को घर में रख सकते हैं। अगर आपको वास्तुविद की जानकारी का चाहिए, हवा शुद्ध करने का चाहिए आपको, अथवा ऑर्नामेंटल पौधा चाहिए, अपने हिसाब से आप पौधों को अपने घर में रख सकते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो घर में रखने का पौधों को, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये सारी बातें पौधों को हम घर में क्यों रखें, ये मैंने आपसे की।
आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आगे आने वाला मेरा हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए।